हादसे पर सबसे बड़ा खुलासा, बाबा के गार्ड ने की थी पानी की बौछार। पानी की बौछार के बाद वहां पर भगदड़ मची। बाबा के पैर छूने के लिए ये लोग वहां पर भागे और उसके बाद इन सब लोगों को वहां पर रोकने की कोशिश की। लगातार जो जानकारी सामने आ रही है कि बाबा अपने साथ बकायदा एक आर्मी लेकर चलते थे जो उनके पर्सनल सुरक्षा कर्मी थे। उनकी जिम्मेदारी थी ये सुनिश्चित करना कि लोग जो वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं वो आराम से वहां से बाहर निकल सके और इस तरह के बड़े हादसे को रोका जा सकता था अगर वहां पर मौजूद गार्ड सतर्क होते। लेकिन पानी की बौछार वहां पर की गई भक्तों पर और इसी के बाद वहां पर भगदड़ मच गई। और एक और बड़ी खबर आ रही है, हादसे के बाद फरार हुआ साकार हरी। करीब 9 घंटों से फरार है आरोपी बाबा। बाबा को लेकर लोगों में अब आक्रोश बढ़ता चला जा रहा है। हाथरस में एहतियातन सुरक्षा बढ़ाई गई है। घटनास्थल पहुंचे पीएसी के 3 कमांडेंट। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, इस घटना को बीते करीब 9 घंटे होने वाले हैं लेकिन तब से लेकर अब तक बाबा का कोई अता पता नहीं है। बाबा या संयोजकों की तरफ से कोई औपचारिक बयान नहीं आया है। इसमें जवाबदेही बाबा की जरूर बनती है क्योंकि बाबा के प्रवचन को, बाबा के सत्संग को सुनने के लिए ही वहां पर हजारों की भीड़ जमा थी जो उनमें आस्था रखते हैं, जो उनमें विश्वास रखते हैं। लेकिन उनके विश्वास के साथ छलावा हुआ है जब आज यहाँ पर इतना बड़ा हादसा हो गया। 116 लोगों की मौत हो गई लेकिन बाबा ने अपने भक्तों की सुध तक नहीं ली और इस पूरे मामले पर अब तक कुछ नहीं बोला है बाबा ने, बल्कि फरार चल रहा है और लोगों के बीच अब बाबा को लेकर आक्रोश बढ़ता चला जा रहा है। आखिर इस हाथरस हादसे का गुनहगार कौन और इस पूरे हादसे से जुड़ी जो तमाम तस्वीरें आ रही हैं सामने वो हम आपको दिखा रहे हैं। हाथरस में किस तरह से देखिए भगदड़ मची। अब तक 116 लोगों की मौत हो चुकी है और संख्या बढ़ने की आशंका बनी हुई है क्योंकि जो प्राथमिक इलाज लोगों को मिलना चाहिए था उसमें देरी हुई। जो पास का अस्पताल था वहाँ पर सही संख्या में, सही मायनों में देखा जाए तो व्यवस्था भी नहीं थी, चिकित्सकों की कमी थी जिस वजह से दूर के अस्पतालों में घायलों को ले जाना पड़ा। इलाज मिलने में लोगों को देरी हुई है जिसकी वजह से ये आशंका बनी हुई है कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। 116 लोगों की जान चली गई है। ये वो 116 लोग हैं जो इस बाबा में आस्था रखते थे, इस बाबा जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उसके सत्संग को सुनने के लिए वहां पर पहुंचे थे। और ये बाबा जो लोगों को बरगलाने का काम करता था, ये बाबा जो लोगों को मैजिक ट्रिक्स दिखाकर लोगों के बीच अंधविश्वास फैलाने का काम करता था, आखिर कहां है ये फरार बाबा और क्यों ये बाबा चुप है, क्यों अपने भक्तों के लिए ये बाबा अब तक सामने नहीं आए और कुछ कहने से बच रहा है, फरार हो गया है ये बाबा। जी न्यूज़।